हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एसएसएम। पहले की तरह ही आज मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, आज का इस सेशन में जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि आप पढ़ तो कहीं भी रहें, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, अगर आपको उस टाइम पढ़ने के दौरान या किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होता है तो मैं उसके लिए, मैं आपके लिए, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, मुझे ज़रूरत है मुझे आप जैसे लोगों की, ताकि जो बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है फिर भी उसके मन में कोई भी डाउट्स हो किसी भी क्वेश्चंस के लिए, तो आप हमें क्वेश्चंस व्हाट्सअप कर सकते हैं। से वैसे ही आपका एक दोस्त है, दिल्ली से ही दोस्त है आपका राकेश, इन्होंने बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन SSC के CAPF के SI के एग्जाम में और CISF के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसको डाउट्स है। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बड़े प्यार से देखिएगा, एकदम मस्त होकर देखो, थोड़ा सा भी हेडेक नहीं होना, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं, कूल माइंड होकर के देखो। देखो बड़े प्यार से इंग्लिश में लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है, मैं समझाऊंगा आपको हिंदी। देखो क्या बोला ये गया है कि इन अ बिग गार्डन, यानी बड़े से बगीचे में 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट ट्री, यानी कि उस बड़ा सा बगीचा में 60% पेड़ जो है वो किसके हैं, नारियल के पेड़ का है, जिसमें 20% ऑफ द नंबर ऑफ 20% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो, यानी जो कोकोनट ट्री, यानी कि उस बगीचे में 60% जो कोकोनट का जो ट्रीज है उसी में से 25% जो ट्री है वो क्या है, मैंगो की ट्री है। तो आप देखिएगा बड़े ध्यान से, देखो मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखना ध्यान से। मान के चलो उस बगीचे में टोटल पेड़ कितना होगा, 100% होगा टोटल पेड़, जिस 100% में से 60% पेड़ जो है ये किसके हैं, कोकोनट ट्री है, क्लियर है। इसी 60% में से 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्री आर मैंगो ट्री, इस 60% का 25% जो है वो किसके हैं, मैंगो के, ठीक है ऋतिक, आ रहा समझ में, मैंगो के। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा गया है, एंड 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल, यानी कि जो 25% मैंगो ट्रीज है ना इसका भी 20% ट्री जो है ये किसके हैं, एप्पल के, सेब के हैं, क्लियर है। इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज आर 1500, ये 20% एप्पल है, ये 1500 है, कितना है 1500, देन द नंबर ऑफ ट्रीज आर इन द गार्डन। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो, फिर से समझिए, आप इन चीज़ों को बड़े प्यार से देखेंगे। एप्पल का जो पेड़ है वो 1500 है, ठीक है, एक बगीचा है, ठीक है, इस बगीचा में बहुत सारे पेड़ हैं आपके अनुसार, अगर आप मान ली हो तो आपके लिए तो 100% पेड़ है, लेकिन उस 100% पेड़ में से 100% जो बगीचे में जितने भी पेड़ हैं उसमें केवल और केवल 60% क्या है, कोकोनट ट्रीज है। इस कोकोनट ट्रीज का ही 25% इसी का ही 25% क्या है, मैंगो है। जितने मैंगो हैं उस मैंगो का 20% क्या है, एप्पल है, और एप्पल के पेड़ की संख्या कितनी है, 1500। आप देखेंगे 20% कितना है, 1500, यानी 20% 1500, तो आप यहाँ से पता करोगे कि टोटल जो है 100% पता करोगे, तो यहाँ से 100% आप पता करोगे तो क्या हुआ, इसका कितना गुना है, 5 गुना, इसका 5 गुना करो 7500, ये 7500 पेड़ क्या पता चला आपको, ये किसका पता चला, ये मैंगो का, यस 7500 पेड़ क्या है, मैंगो का, क्योंकि इसके लिए तो 100% ये है। अब 7500 पेड़ जो मैंगो का है तो 25% पेड़ क्या है, मैंगो का, तो ये जो है आपका 25% की वैल्यू कितनी है,
7500, तो 100% क्या हो जाएगा, इसका कितना गुना है, चार गुना है। डियर फ्रेंड्स, आप देखे रहो, आप कभी भी किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के उसके अपॉन बट्टे में लेके मत जाया करो, जल्दी कैलकुलेटिव मत किया करो, आप ध्यान से सोचा करो सिंपल मूड में। 25% का अगर 7500 है, 25% मतलब क्या था, 1/4, तो इसका 4 times, कोई भी पेयर अपने आप में 100% होगा, तो 25 गुना चौथा, इसको 25 को 4 से गुना 100% हो जाएगा, तो 100% क्या होगा, इसको भी 4 से कर दीजिए, 30,000। ये 30,000 पेयर कौन सा है, कोकोनेट का, है ना, यानी कि कोकोनेट का पेयर 60% क्या है, 30,000 है, तो 100% क्या होगा, 100% क्या होगा, 60% 10,000 है, तो यहाँ से इसको आप क्या करो, 6 से डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो, 6 से, अगर 60% की, देखो आप सॉल्व करने का मेरा मेथड देखिए, मैं आपको दिमाग में बहुत से मेथड नहीं अपना रहा हूँ, 60% की वैल्यू कितनी है, 30,000, इसको आप 6 से डिवाइड कर दो, इधर भी 6 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कितना आ जाएगा, इधर 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,000, आपको चाहिए कितना, 100%, 100% जो है 10% का कितना गुना है, 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, आंसर इज योर ऑप्शन इज 2 इज करेक्ट, क्लियर। आप, मैं कहने का मतलब क्या, आप क्वेश्चंस को देखिए, समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगा होगा, समझाने में मुझे आपको थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाओगे ना, तो बड़े से बड़े क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, बहुत ही आसानी से। आप क्वेश्चंस को फिर से समझिए, टोटल 100%, ये टोटल क्या है, ये टोटल है, ये जो है ना, ये टोटल है, 100% में से 60% क्या है, कोकोनट ट्री है, बाकी हमें नहीं पता 40% क्या है, इस जितना कोकोनट है उसी कोकोनट का 25% क्या है, मैंगो है, फिर उसी का 20% क्या है, एप्पल है, तो जब 20% एप्पल है, आप 20% एप्पल है, तो 20% की वैल्यू 1500, तो 100%, तो यानी कि एप्पल के लिए तो 100% मैंगो है ना, एप्पल के लिए 100% मैंगो है, तो 100% इसका कितना हो जाएगा, 5 times, तो हमने इसका 5 times निकाला, तो 7500। अब 7500 जो है ना, ये 25% के बराबर है, उसके लिए वो अगर 25%, तो इसका कितना हो जाएगा, 30,000, फिर 60% इक्वल टू 30,000, तो आंसर क्या आ गया आपका, 50,000। कहने का मतलब ये, अगर आप गांव वगैरह में आप जाएंगे, देखेंगे आप अपने विलेजेस से, जहाँ भी आप देखोगे जाकर के, तो आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट कर दीजिए, शेयर जरूर किया करो अपने दोस्तों से। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, चाहे दिल्ली में आप किसी भी सर के पास पढ़ रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, चाहे आप दिल्ली के किसी भी कोने में पढ़ रहे हो, चाहे हिंदुस्तान के कहीं भी हो, चाहे आप हरियाणा में हो, चाहे जयपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे पटना हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पुणे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो, फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स, अगर आपको नहीं कोई क्लियर कर पाता है, तो डियर फ्रेंड्स, आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर नीचे दिए हुए लिंक आप देख रहे हैं, पट्टी नीचे दिए हुए आपको व्हाट्सअप नंबर पे आप 9643416444 9643416444 पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपके डाउट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर आगे देखिए उसको, यस फाइन, नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, क्या बोला गया है, अ सप्लाई ऑफ जूस, अ सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 days इफ इट्स यूज इज इंक्रीज बाई 40%, इफ इट्स यूज इज इंक्रीज बाई 40% ऑफ द नंबर। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक सप्लाई वाला है जो जूस को लास्ट 35 दिनों से क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, और इफ इट्स यूज इज इंक्रीज बाई 40% ऑफ द नंबर ऑफ डेज वुड द सेम अमाउंट ऑफ जूस लास्ट। अब आप यहीं पे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन CGL टाइप 2 में दिया हुआ है। देखिए कोई भी क्वेश्चंस को रट्टा ना मारें, ना ही क्वेश्चंस को रटने की कोशिश करें, इन द सेंस आप कॉन्सेप्ट को भी रटने की कोशिश ना करें। डियर फ्रेंड्स, आप क्वेश्चंस को समझो, अंडरस्टैंडिंग बनाओ, आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना सीखिए। गिनती के मैं बता दूं आपको, गारंटी के तौर पे कह सकता हूँ, मुश्किल से केवल एंड केवल, मुश्किल से मैं बता दूं, ओनली एंड ओनली गिन के 15 से 20 कॉन्सेप्ट है। अगर आप 15 से अगर 20 कॉन्सेप्ट कर लेते हो, तो आपको इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट जॉब कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है, और आपके अंदर जो एक डर है,
एप्टीट्यूड के प्रति, मैथमेटिक्स के प्रति, गणित के प्रति उस डर को खत्म हो जाएगा, उस डर को जड़ से खत्म कर दूंगा मैं गारंटी के तौर पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या बोला गया है, अ सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 डेज इफ इट्स यूज इज इंक्रीज बाई 40% ऑफ द नंबर ऑफ डेज। देखिए ध्यान से, 40% ऑफ द नंबर ऑफ डेज वुड बी इट इज इंक्रीज, जो ये 35 डेज है ना ये इंक्रीज है, कितना परसेंट, 40% से। तो आप देखो बड़े ध्यान से कि अगर 40% का मतलब आप देखोगे तो 40/100 इसका मतलब 22 जा 25 जा, 2/5 में क्या हो जाएगा 5। देखिए ये इट्स यूज इज इंक्रीज बाई 40%, पहले इसकी पहले कितना था इसका 5 था, अब इन्होंने 2 बढ़ा दिया तो 5 था। इस कॉन्सेप्ट को आपने अगर अभी तक नहीं देखा हो और आपको कॉन्सेप्ट अगला से समझना है, हालांकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने बता रखा है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वृद्धि अधिक कैसे करेंगे, पहले इसका नियमित तरीके से 5 था लेकिन अब इन्होंने 2 बढ़ा दिया, तो 5 में जब 2 बढ़ा दिया तो अब हो कितना गया 7/5। ये 7 की वैल्यू ही तो दी हुई है 35 डेज, समझ आ रही है, 7 के पहले 5 दिन था, अब इन्होंने 2 दिन और बढ़ा, तो हो कितना गया 7, तो 7 की वैल्यू 35, ये कितना गुना है इसका 5 गुना है, तो इसका भी क्या कर दोगे आप 5 गुना, तो आ कितना जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 25 डेज, योर ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, देखिए अगर आपको फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपको समझ में नहीं फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है हमें फिर से बताएं। देखो पहले जो था 40% का मतलब क्या होता है 2/5, ये बेसिक्स है, सबसे निचला वाला जो पार्ट होता है ना इसका मूल होता है, एक इसका ओरिजिनल डेज होता है, पहले इसके खर्चे 5 दिन चलते होंगे लेकिन अब ये इन्होंने है ना इसके दिन है ना 2 दिन और बढ़ गए, तो 5 में 2 बढ़ गया तो कितना गया 7/5। इसी कॉन्सेप्ट को आप देखिए, अगर कहीं लिखा हो 20% का प्रॉफिट तो 20% मतलब क्या होता है 1/5, 5 है 1 प्रॉफिट हो गया तो वो कितना गया 6/5। अगर यही लिखा रहे यहाँ पे कि 20% का लॉस तो 1/5, 5 था 1 का लॉस वो कितना गया 4/5, तो वही दिन है कि अगर इंक्रीज हो गया तो वो कितना गया 7, तो इंक्रीज होने के बाद जो कितना दिन हुआ 35 डे चला, तो 7 की वैल्यू 35, तो इसका कितना गुना है 5 गुना है, 5 टाइम्स है, नीचे का भी 5 को 5 टाइम्स कर दो तो 25 डेज होगा, अब इसका आंसर बेसिक आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। लास्ट में एक मैसेज देना चाहूँगा, मैंने इस मिशन को ठान लिया है कि आपके पास अगर कोई भी डाउट्स हो मैथमेटिक्स का, कैसा भी क्वेश्चन हो किसी भी फील्ड का हो, आप हमें व्हाट्सअप करें, आप हमें बताएं, मैं आपके चाहे कैट का हो, चाहे एप्टीट्यूड का, चाहे IAS का हो, चाहे CSAT का हो, कोई भी हो इस टाइप के कॉम्पिटेटिव का हो, चाहे IIT JEE हो, चाहे 11th 12th 9th 10th कुछ भी हो, आप हमें डाउट्स अपना शेयर करें 9643416444 इस नंबर पे, 9643416444 पे आप हमें व्हाट्सअप करें, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, हम आपके क्वेश्चंस के वीडियो बनाकर हम आपको शेयर करेंगे, आपको समझाएंगे और आप समझोगे, कहीं भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। लेकिन जाते जाते एक मैसेज है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को, इस मैसेज को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ में लाइक देना ना भूलिए, समझ में आता तो कमेंट करिए, जैसा भी समझ में आता आप जरूर कमेंट करिए, दोस्तों को बताइए, फेसबुक के ग्रुप में सेंड करिए, व्हाट्सअप पर सेंड करिए, इंस्टा पर सेंड करिए, ट्विटर पर सेंड करिए, अगर आप किसी स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो अपने फ्रेंड्स सब के साथ शेयर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड, थैंक यू, और साथ में मेरे इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और दूसरों को भी बताओ। थैंक यू सो मच।